माननीय प्रधानमंत्री। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। साथियों, इस समय मध्य प्रदेश सहित देश भर की अनेक सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक वोट नहीं डाला है वो जरूर अपने कर्तव्य का पालन करें। साथियों, मैं यहां बांदकपुर के जागेश्वर महादेव और कुंडलपुर तीर्थ को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी राजा किशोर सिंह जी और वीर योद्धाओं आल्ला उदल को भी नमन करता हूं। यहां जैन मुनि पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े हैं, मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। भाइयों और बहनों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है, आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा करे ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। जरा एसपी जी, वो बच्चा एक बेचारा फोटो लेकर के आया है और लंबे समय से हिला रहा है, उसको कले के उसके पीछे पता लिख देना बेटा, मेरा चिट्ठी आएगी तुझे, तुम अपना नाम पता लिख देना और फिर आराम से बैठो, फिर आराम से बैठो, कब से हाथ ऊपर करके थक जाओगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है ये हमने बीते वर्षों में देखा है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया,
पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। भारत को सस्ता तेल मिले इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए आज जो भारत आगे बढ़ रहा है इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके सबके सब बताएं, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है? आप अमेरिका में भी भारत की वाह वाह रही हो रही, आपको गर्व हो रहा है? आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है? ये किसने किया, ये किसने किया, किसने किया, किसने किया, किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये जो हुआ है ना वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है। ये आपने किया है, आपके एक वोट ने करके दिखाया है। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है फिर एक बार आवाज जोर से आनी चाहिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, दूसरे देशों को बेचे हैं, अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था।
2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी, मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, नौजवान और माताएं बहनें, हर लाभार्थी को 100% सुविधाएं मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में एमपी के 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला है, लेकिन जिनको अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं उनका भी बीजेपी ने ख्याल रखा है। हमने संकल्प लिया है कि देश में 3 करोड़ नए आवास हम बनाएंगे और उसमें से जिनको घर नहीं मिलेगा उनका घर पक्का हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? गर्मी बहुत है मैं जानता हूं, करोगे? पक्का करोगे? आप जब अभी चुनाव अभियान के लिए जाएंगे तो बहुत से लोगों को मिलना हो जाएगा, गांव-गांव जाएंगे, इलाके अलग अलग जाएंगे। अगर वहां आपको ऐसा कोई परिवार दिखाई दे जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, जिसको शायद अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, उसको शायद गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, तो मेरी तरफ से उनको एक गारंटी दे देना। उनको कह देना बहुत लोगों का काम हो चुका है, अगर आपका बाकी है तो आने वाले 5 साल जब मोदी जी फिर से आएंगे ना वो काम भी पूरा हो जाएगा। कह देंगे आप जब कहेंगे ना तब लोग ये नहीं कहेंगे कौन कह रहा है, वो ये मानेंगे कि जो सामने खड़ा है ना वो मोदी खड़ा है। मेरे लिए तो आप ही मोदी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि घर दिलवाने के काम में हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हर परिवार के लिए राशन और इलाज का खर्च मायने रखता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी ने आने वाले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन की सुविधा बढ़ा दी है। इन परिवारों को मुफ्त राशन इसलिए ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, ये मुफ्त राशन इसलिए कि गरीब का बच्चा भूखे पेट सोने के लिए मजबूर न हो जाए। आयुष्मान योजना ने भी गरीबों के लाखों रुपये खर्च होने से बचाए हैं। अब मोदी ने गारंटी दी है कि गरीबों के साथ साथ हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का है, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, घर में गाड़ी हो, कुछ भी हो, ऐसे 70 साल की ऊपर के बुजुर्गों को भी
ये मोदी की तरफ से मुफ्त इलाज की योजना का लाभ मिलेगा, में लाया जाएगा। साथियों, दमोह के तो नाम में ही रानी दमयंती जी की प्रेरणा है। ये धरती रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की कर्मस्थली रही है। वीरांगनाओं की अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित भारत के निर्माण के लिए नारी शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की गैस हो, घर घर बने शौचालय हो, घर घर पहुंची बिजली हो, जनधन योजना के बैंक खाते हो, इन सब का सबसे ज्यादा लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ही हुआ है। पहले हमारे देश में महिलाओं के नाम एक भी संपत्ति नहीं होती थी। दुकान खरीदी तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदी तो पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी तो पुरुष के नाम, महिलाओं के नाम कोई संपत्ति नहीं होती थी। पहले पति के नाम होती थी और बाद में बेटे के नाम होती थी, महिला के नाम कुछ नहीं होता था। मोदी ने तय किया कि पीएम आवास योजना की वजह से अब करोड़ों बहनों के नाम पहली बार कोई प्रॉपर्टी दर्ज हुई है, माताओं बहनों के नाम संपत्ति आई है। पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनें सहायता समूहों से, वनधन केंद्रों से जुड़ी हैं। अभी तक 1 करोड़ बहनें ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो चुकी है। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। भाई और बहनों, मोदी ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है। आप ही मेरे परिवारजन है, मेरा भारत ही मेरा परिवार है, और इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से ना पहले डरा है और ना कभी डर सकता है। साथियों, बुंदेलखंड की ये भूमि राष्ट्रभक्ति और राम राज्य से प्रेरणा से भरी हुई है। ओरछा में हमारे प्रभु राम रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं, और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में राम नवमी पर राम लला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं,
उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, दो दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो हरेक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगे, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे, जीवन पर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था। हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी, सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर, ये क्या करते हैं। साथियों, बीजेपी एनडीए गठबंधन को दिया, विकसित भारत का सपना भी पूरा करेगा। हमें दमोह से भाई राहुल लोधी जी को और खाजुराहो से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। साथियों, ये चुनाव जीतना है, लेकिन मुझे तो पोलिंग बूथ जीतना है। बताइए, आप मेरी मदद करेंगे, घर घर जाएंगे, पहले से ज्यादा मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे, अपनी पूरी ताकत पोलिंग बूथ पर लगाएंगे, पोलिंग बूथ में सबसे ज्यादा वोट लाने का काम करेंगे। अच्छा, मेरा एक दूसरा काम करेंगे, सब लोग बताएं तो मैं बताऊं, करेंगे। अच्छा, आप इस चुनाव के अभियान के दरमियान जब घर घर जाएंगे तो हर घर जाना और कहना कि अपने मोदी भाई आए थे और मोदी भाई ने हम सबको राम राम भेजा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? पक्का पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।